नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ बाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। FY BCom में FEC सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 3, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके पार्ट 1 में हमने टॉपिक नंबर 1 to 6 को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम लोग बाकी के यानी कि टॉपिक नंबर 7 to 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना, ताकि आपका ये पूरे का पूरा यूनिट बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रिकॉल कर लेते हैं लास्ट में जो हमने टॉपिक नंबर 6 डिस्कस किया था, वो जो कि था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर दो चीजें आती थी। पहला था इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन विथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि दूसरा था इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मतलब जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यानी कि अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज होता है, तो उसको कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और यहां पे डिस्कस किया था हमने कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वही ये पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं, जिसमें आज हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 7, एंड दैट इज फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल नेटवर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क का मतलब था है औपचारिक। फॉर्मल मींस औपचारिक। तो देखो, देयर आर 3 फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स। याद रखना, फॉर्मल नेटवर्क के अंदर 3 स्मॉल ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है चेन नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क एंड व्हील नेटवर्क। कौन से आए 3? चेन, सर्कल एंड व्हील। जिसके अंदर चेन नेटवर्क क्या है, तो चेन नेटवर्क फॉलोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड बना दिया, देखो यहां पे डायग्राम के साथ दिया हुआ है कि भाई ये फॉर एग्जांपल है ए बी सी डी और ई। तो यहां पे ए जो है वो बी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, और बी ए के साथ। सिमिलरली बी जो है वो सी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, और सी बी के साथ। तो यहां पे अगर हम बी की बात करें तो वो ए और सी के साथ कम्युनिकेशन करेगा। सी की अगर हम बात करें तो वो बी और डी के साथ कम्युनिकेशन करेगा। डी की अगर हम बात करें तो वो सी और ई के साथ, और इसी तरह से चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं कि ये जो फॉर्मल चेन है, सीक्वेंस है, उसमें कम्युनिकेशन होता है। सेकंड इज सर्कल नेटवर्क कम्युनिकेशन, जहां पे क्या होता है, सर्कल नेटवर्क हैज अ लीडर एज द सेंट्रल पर्सन फॉर कंडक्टिंग ऑल कम्युनिकेशन। मतलब ये एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी। अब यहां पे ये है फॉर एग्जाम्पल अमित शाह, ये है फॉर एग्जाम्पल निर्मला सीतारमन, ये है फॉर एग्जाम्पल राजनाथ सिंह, ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। तो यहां पे होगा क्या कि एक सेंट्रल लीडर, ये नरेंद्र मोदी, वो क्या करेंगे, सभी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे अमित शाह निर्मला सीतारमण के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अमित शाह मोदी के साथ, मोदी शाह के साथ। सिमिलरली नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमण जी के साथ, निर्मला जी मोदी जी के साथ। सिमिलरली यहाँ पे जो राजनाथ सिंह है वो भी मोदी जी के साथ, मोदी जी राजनाथ सिंह के साथ। यानी कि याद रखना कि सर्कल नेटवर्क के अंदर एक सर्कल सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है लीडर, जो कि सभी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है। एंड व्हील नेटवर्क, या फिर उसको ऑल चैनल नेटवर्क भी कहते हैं, मतलब वहां पे कोई भी पर्सन किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। प्रमोट्स जॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब ये है नरेंद्र मोदी जी। देखो, हमने एग्जांपल लिया, वही समझा रहा हूं। ये है अमित शाह, ये है निर्मला सीतारमण, ये है राजनाथ सिंह, और ये है विजय रूपाणी। अब यहां पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बाकी सबके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये अमित शाह भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विजय रूपाणी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, या निर्मला सीतारमण के साथ भी। सिमिलरली मतलब कोई भी मेंबर, कोई भी एम्प्लॉय किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको कहते हैं विल और ऑल नेटवर्क और ऑल चैनल कम्युनिकेशन। ये याद रखना, 3 आए, पहला आया चेन, सेकंड आया सर्कल, और तीसरा आया व्हील या ऑल चैनल। अब इसके हम लोग मैरिट समझ ले। मैरिट्स यानी कि फायदा, फायदा एडवांटेज बेनिफिट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन ना सूच है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब भरोसा पात्र, विश्वास पात्र। कैम, कारण के ऑर्गेनाइजेशन अंदर फिक्स करेले लोगों कम्युनिकेशन करे छे,
રિસ્પોન્સિબિલિટી ફિક્સ છે. અહીંયા જેમ કે નિર્મલા સીતારામન છે, તો એ આપણા ફોર એક્ઝામ્પલ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છે, તો ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને લગતો કોઈ પણ આન્સર હશે તો એ આપવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો ફિર ઉનકે જો ભી સ્ટેટમેન્ટ હોંગે વો રિલાયબલ હોંગે, વો ઓથેન્ટિક હોંગે. સિમિલરલી વિજય રૂપાણી જી જો ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી હૈ તો ગુજરાત કે રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ બોલેંગે ઉસકે લિયે વો જિમ્મેદાર રહેંગે. તો વો જો ભી સેન્ટેન્સ બોલેંગે, સ્ટેટમેન્ટ બોલેંગે, વો ઓથેન્ટિકેટ હોગા. યાની કે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન જ્યાદા ઓથેન્ટિકેટ હોતા હૈ. મેઇન મેઇન વર્ડ્સ આપકો યાદ રહે જાને ચાહિયે. इसका पूरा रिवीजन, क्विक रिवीजन सेशन भी मैंने रखा है कि जिसके अंदर बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा यूनिट 3 और 4 कवर हो रहा है. ये सेशन ऐसा है कि जिसके अंदर हम 1 घंटे के अंदर कवर अप करते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड हायरार्की. फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर स्ट्रक्चर और हायरार्की फिक्स होता है. मतलब देखो, अमित शाह पहला है ए, तो वो बी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, बी सी के साथ, सी डी के साथ. मतलब हायरार्की जो है वो फिक्स है, स्ट्रक्चर फिक्स है कि कौन किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा. देन थर्ड, बाय डिफाइनिंग द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डिफाइनिंग मतलब डिसाइडिंग. एक बार ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन जस्टिफाइज द चेन ऑफ कमांड. कि क्यों ये चेन ऑफ कमांड है, क्यों इसको ये ऑथोरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो पर्सन उसके लिए कैपेबल होगा. एनी माटे ने क्षमता ए व्यक्ति में छे, एटला माटे एने ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपी छे, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जस्टिफाई करशे. फॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक्स द वेरियस फंक्शनिंग डिपार्टमेंट. देखो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है. लाइक राजनाथ सिंह है तो वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जी है तो वो फॉर एग्जाम्पल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, अमित शाह है वो हमारे होम मिनिस्टर है. तो ये जो अलग अलग यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे कि भाई डिफेंस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, तो वो सबके बीच में प्रॉपर लिंक सेट करेगा कि सभी लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ अपने काम कर सके. फॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स. फैसिलिटेट मतलब प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना. किसमें? कंट्रोल बाय द चेन ऑफ कमांड. मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन से कंट्रोलिंग भी बहुत इजी और प्रॉपर हो सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब माहिती जे छे बधी एकदम प्रॉपर, एकदम मतलब मक्खन के जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहेगी, सबको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी भी होती है. फॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सत्ता सौंपनी. पावर जो मेरे पास है वो पावर मैं किसी और को दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उसको वो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा हूं, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन से हो सकता है. एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट्स टास्क एंड एम्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा टास्क को और एम को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव हो सके. पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ अच्छी ही अच्छी बातें हैं. यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस, यानी के नकारात्मक पासा पण छे. ए शू छे? तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स थ्रू वेरियस हायरार्किकल लेवल, देयरफॉर देयर कैन बी मेन डीले इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. डीले एटले मोडू थशे. सिक्वन्समां इन्फॉर्मेशन आवशे तो ઉપરથી છેક નીચે માહિતી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં ગાડી છૂટી ગઈ હોય, મતલબ કે બહુ લેટ થઈ ગયું હોય, તો ડીલે ઇન ઇન્ફોર્મેશન. દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ મેસેજ ડિસ્ટોર્શન. જો એ ની પાસેથી બી, બી પાસેથી સી, સી પાસેથી ડી, ઈ, એફ આવી રીતે પહોંચે છે તો વચ્ચે ઇન્ફોર્મેશન છે ડિસ્ટોર્ટ થઈ જાય. ડિસ્ટોર્ટ થઈ જાય એટલે બદલાઈ જાય, એવી પણ પોસિબિલિટી ઘણી બધી છે. આના ઉપર ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ્સ પણ થયા છે. ક્લાસરૂમ એક્ટિવિટીમાં પણ આ વસ્તુ અમે તમને પ્રેક્ટિસ કરીને બતાવીએ છીએ. એક આપણે નાનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ જેમાં તમને ખબર પડે છે કે ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતે આખી બદલે ગઈ. ઓરિજિનલ ઇન્ફોર્મેશન કંઈક અલગ હતી અને એન્ડ પર જે ઇન્ફોર્મેશન પહોંચી આખી જ ડિસ્ટોર્ટ થઈ ગઈ છે. તો એના પણ ચાન્સીસ બહુ વધારે હોય છે બીકોઝ ઓફ ધીસ હાયરાર્કિકલ લેવલ. દેન ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ બેઝડ ઓન ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, સો ઇટ કેન બી રિજિડ. જડ છે કે યાર આજ નીતિ નિયમો ફોલો કરવાનું, સમય સંજોગો પ્રમાણે આપણે ચેન્જ થવું પડશે, બટ ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન ઉસકી પરમિશન નહીં દેતા હૈ. ઇટ લેક્સ ધ પર્સનલ ટચ. ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન ઓફિશિયલ ઇન્ફોર્મેશન હૈ વો પ્રોવાઈડ કરતી, તો લોકો કે બીચ મેં જો પર્સનલ ટચ, પર્સનલ રિલેશન બનને ચાહીએ વો નહીં હો પાતે હૈ. ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન કેન ઓલ્સો બી અફેક્ટેડ બાય રેડ ટેપિઝમ. રેડ ટેપિઝમ કી ભી ઇફેક્ટ યહાં પે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન મેં કાફી જ્યાદા હોતી હૈ. મતલબ જિસકે પાસ પાવર હૈ ઉસકા સારી બાતે માની જાયેગી, જો ઉસકા ઇન્ફ્લુઅન્સ હૈ વહી કવર હોતા હૈ. ફોર્મલ નેટવર્ક ઓફ કમ્યુનિકેશન કેન બી ફર્ધર કેટેગરાઇઝ્ડ. મતલબ ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન કો હમ ફર્ધર ક્યા ડિવાઈડ કર સકતે હૈ? તો વર્ટિકલ. વર્ટિકલ મતલબ સ્ટ્રેટ, ઉપરથી નીચે કાં તો નીચેથી ઉપર.
हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ू एंड क्रॉस वर्ड मतलब कोई भी साइड दो। तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसके अंदर तीन टाइप है। पहला आएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब सीधी लाइन जैसा। अब वो सीधी लाइन ऊपर से नीचे अप टू डाउन हो सकता है या डाउन टू अप भी हो सकता है। तो देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल। मतलब मैं आपको सिंपल लेवल पे समझाऊं तो ये तीन लेवल है। टॉप मैनेजमेंट है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो इंफॉर्मेशन एक लेवल टॉप मैनेजमेंट से मिडल मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचती है या तो फिर लोअर से मिडल, मिडल से अपर, इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। जैसे कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिविजनल और डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर और वर्कर। और उसी तरह से अपवर्ड जो होगा, देखो डाउनवर्ड मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना, तो उसका रिवर्स अपवर्ड मतलब नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर फ्लो होगी। अब दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। पहला है अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर का, ये वाला मतलब बॉटम लेवल से मिडल, मिडल लेवल से टॉप मैनेजमेंट। तो अपवर्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंक्लूड्स, ये याद रखना है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या चीजें आती है, एग्जाम्पल क्या है उसके, तो रिपोर्ट्स है, भाई इतना काम किया है, वो रिपोर्ट क्या होगा, जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को भेजेगा, या सजेशंस है, तो भाई मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोलू ऐसा करके एक सजेशन देंगे, मतलब लोअर लेवल वाले अपर लेवल को सजेशंस दे सकते हैं, कंप्लेन होगी तो वो करेंगे। जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर थी नीचे, मतलब ऊपर से लेके नीचे इंफॉर्मेशन जाएगी, तो उसके और एग्जांपल में क्या आएगा, तो ऑर्डर्स है या इंस्ट्रक्शन है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट तक प्रोवाइड करता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे आता है। तो ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है फॉर्मल के अंदर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ू, सेम लेवल पर नो कम्युनिकेशन। देखो जो वर्टिकल था कि वो क्या था, ऊपर या नीचे के लेवल के साथ कम्युनिकेशन, जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक ही लेवल पे जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमॉन्ग पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल। हाँ डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे बट सबके लेवल सेम होंगे। इट इनिशिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर वो सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है बट दोनों का लेवल क्या है, मैनेजर का है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। FEC के टीचर है वो अकाउंट के टीचर के साथ बात करते हैं। अब दोनों टीचर है, दोनों सेम लेवल पे है तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखो परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ या क्वालिटी मैनेजर के साथ या सेल्स मैनेजर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करता है, मतलब सभी लेवल के। अब मैं आपको समझ में इस एंगल से एग्जाम्पल दू तो अकाउंट के टीचर जो है SPB के टीचर है, इकोनॉमिक के टीचर है, स्टेटिस्टिक्स के टीचर है, इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो सभी टीचर्स है, सभी सेम लेवल पे है, तो वो एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल का। पर सपोज ऐसा है कि भी अकाउंट के टीचर वो उनके ऊपर जो प्रिंसिपल है उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा, हमने अभी ऊपर देखा, वर्टिकल कम्युनिकेशन। एंड देन द लास्ट इज डायगनल कम्युनिकेशन या फिर उसको क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो डायगनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमॉन्ग द मेंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, मतलब डिपार्टमेंट भी अलग अलग होंगे और लेवल्स भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेन वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये जो वर्कर्स है वो कॉम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे, ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए HR मैनेजर, मीन्स HR मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट, तो उसके मैनेजर के साथ। अब ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर, वो डिपार्टमेंट चेंज हो गया HR और लेवल भी चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि HR लेवल के जो वर्कर है उसके साथ कम्युनिकेशन, HR लेवल के मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मतलब डिपार्टमेंट भी अलग और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी अलग, तो उसे हम कहेंगे डायगनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। डायगनल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स टूगेदर member of different department who are generally not in touch with each other, मतलब normally production department वाले
ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब ऐसा होता है कि सेम डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे के साथ टच में है बट अलग अलग डिपार्टमेंट वाले टच में नहीं होते हैं। तो ये क्रॉस या डायगोनल कम्युनिकेशन से क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी एक दूसरे के टच में यानी कि संपर्क में आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। जेनो मोस्ट फेमस नेम छे ग्रेप वाइन, ये याद रखना। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशन। मतलब અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝેશન ના જે ડેઝિગ્નેશન છે એના લીધે કમ્યુનિકેશન નથી થતું। બે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના મેનેજર છે અને આ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના વર્કર છે એટલે એકબીજાની સાથે કમ્યુનિકેશન કરશે, નોટ બીકોઝ ઓફ ધેટ, બટ એ લોકોની વચ્ચે પર્સનલ રિલેશન બહુ સરસ છે। મતલબ દોસ્તી હે, અચ્છી સે દોસ્તી હે યાર, તો દોસ્તી હે તો ઉસકે રિલેશન કે ઉપર હમ કિસી કે ભી સાથ કમ્યુનિકેશન કર સકતે હૈ। ટેન્ડ્સ ટુ અપોઝ ધ સિસ્ટમ ઓફ ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન નોટ ફોલોઇંગ एनी लाइन्स। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फिक्स लाइन होती है जिसमें ही कम्युनिकेशन होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फिक्स लाइन नहीं होती है। जिसके जिसके साथ अच्छे रिलेशन होंगे उसके साथ वो कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स एम्प्लॉइज परसेप्शन। एम्प्लॉय परसेप्शन नो मतलब शू दोस्तों, दृष्टिकोण। अबे उना पूछा सर, हाँ तो कौन है दृष्टिकोण, कौन है दृष्टि, दृष्टि कोई छोकरी की बात नहीं करते, दृष्टिकोण मतलब आपड़ू विजन। हम लोग कोई चीज को देखते हैं तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स पॉलिसीज डिसीजन एंड वर्क कल्चर। मतलब कि एम्प्लॉय का परसेप्शन दृष्टिकोण कैसा है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के लिए, उनके डिसीजंस के लिए, उनके वर्क कल्चर के लिए, ये सारी चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से पता चलती है। नाउ दिस ग्रेप वाइन यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन फीचर्स। कौन से तीन मेन फीचर्स है याद रखना, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि लोगों के इमोशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो यार, किसको किसके साथ दोस्ती हो जाएगी, किसको किसके साथ दुश्मनी हो जाएगी, वो उनके रिलेशन के ऊपर डिपेंड है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकंड, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कंसिडर इट मोर फिजिबल। फिजिबल यानी कि पॉसिबल, प्रैक्टिकल एंड मोर रिलायबल। इनफॉर्मल ने वधारे पर मारा दोस्ते कीधु छे એટલે ખોટું નહીં કે, मतलब इसके ऊपर मुझे भरोसा है, इसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि वो मेरे साथ कभी चीट नहीं कर सकता, तो इसको लोग ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। देन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। एंड थर्ड, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब मोस्टली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन खुद के कोई ना कोई पर्पस के लिए होता है। मतलब हम किसी के भी साथ बात करते हैं, चैटिंग करते हैं तो यार हमारा, यार मैं बोर हो रहा हूं, किसी के साथ बात करने से अच्छा लगता है इसलिए मैं यहां पे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो मेजोरिटी ये जो कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल में वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए होता है, जबकि इनफॉर्मल में मोस्टली हमारा खुद का कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है इसीलिए होता है। अब यहां पे आपको अलग अलग टाइप के ग्रेप वाइन चेन देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहां पे आपको सारे प्रॉपरली समझाऊंगा भी। आपके सिलेबस में सिर्फ डायग्राम है बट मैं आपको नॉलेज के एंगल से समझा भी देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे जो चार पॉइंट है उसमें से पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ए है, जिनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यार भाविन सर ने, फॉर एग्जाम्पल भाविन सर ने एक न्यू वीडियो अपलोड किया हुआ है FY BCom के लिए, घुमासान, मतलब जोरदार तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल भाविन सर ने यहां पे भेजी है मिस्टर ए को, एक ही पर्सन को, उनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपने दोस्त बी को भेजा, बी ने ये वीडियो की लिंक सी को भेजी, सी ने डी को भेजी, डी ने ई को भेजी। मतलब एक पर्सन कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे एक ही पर्सन को फॉरवर्ड करता है तो उसको कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड या सिंगल स्ट्रैंड चेन। जबकि दूसरा है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन के अंदर गॉसिप मतलब सो गोष्ठी, वार्तालाप, मतलब देगा था माने मड़ी जो माही थी मस्त सैर करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए है, इसको पता चला कि भाई भाविन सर ने बहुत ही बढ़िया सा रिविजन वीडियो लाल दिया है, तो उसने क्या किया, सीधा एक एमएस यूनिवर्सिटी का ग्रुप है वो ग्रुप के अंदर ही डाल दिया। मतलब बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब सारे ए टू जेड सभी के सभी स्टूडेंट्स को पहुंचा दिया। तो ये हो गया गॉसिप, जहां पे क्या होता है, अब इसको समझो, कोई एक पर्सन इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और आप उनके ग्रुप के, उनके कॉन्टेक्ट के जितने भी लोग होंगे वो सबको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, तो वो है गॉसिप चेन।
थर्ड है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि मैं सबको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, कुछ मेरे दोस्त हैं उसके साथ मेरे